हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। यहाँ पे दोस्तों SOL PG एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आपका किसी भी लिस्ट में PG के किसी भी कोर्स के में आपका एडमिशन होता है तो आगे का एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, इसके अलावा जो आप सभी अपनी स्टडी मटेरियल होगा या जो आपका सिलेबस होगा आपको कहाँ से पता चलेगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आपको आता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके डैशबोर्ड में जब यहाँ पर आप PG एडमिशन के पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं अपने यूज़र ID या रजिस्टर ईमेल ID और पासवर्ड के थ्रू, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि अगर आपकी पेमेंट हो गई है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपने पेमेंट की होगी, पेमेंट कर देने के बाद आपका ID कार्ड और फिर रिसिप्ट आया होगा। अगर ये दोनों नहीं आए हैं या ID कार्ड आ गया है फिर रिसिप्ट नहीं आया है तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ID कार्ड आ गया तो फिर रिसिप्ट भी जो है जल्द ही आ जाएगी, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका डॉक्यूमेंट में कोई वेरिफिकेशन में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी है, जिसने डॉक्यूमेंट में कोई गलत कागज़ या डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, तो उसके लिए क्या होगा, तो उन सभी स्टूडेंट को दोस्तों अपनी मेल ID अपने कॉन्टैक्ट जो हैं अपने चेक करते रहने होंगे जो आपने SOL में रजिस्टर कराए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो SOL जो है आपके आपसे कॉन्टैक्ट करेगा या फिर आपके डैशबोर्ड में यहां से आप लॉगिन करेंगे यहीं पर आपके क्वेरी रेज कर देगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी है या इसको दोबारा से रीअपलोड करने का या आपको मेल करने का जो है ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं कोई भी गड़बड़ी रहती है तो आप उनको मेल या कॉन्टैक्ट किया जा सकता है आप सभी को, तो अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर या मेल ID उसको रेगुलर चेक करते रहें। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों इसके बाद जो है स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पे MA और MCOM इनके और जो MBA कोर्सेज़ हैं इनके जो स्टडी मटेरियल हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हार्ड कॉपी रहने वाली है सितंबर में आपको कहीं ना मिलने वाली, सितंबर में कहीं आपको मिलेगी सितंबर के एंड वीक तक। तो अगर यहाँ पे आप अपना भी पढ़ाई अभी से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो SOL की साइट पर जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं UG स्टडी मटेरियल है और यहाँ पर आपका BMS है, एक सेकेंड दोस्तों, और यहाँ पर आपका UG कोर्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से आप अपना जो स्टडी मटेरियल है ये डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है लाइब्रेरी कोर्स के भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपका जो PG कोर्स है ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। MA सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकंड है और यहाँ पे आपका MCOM का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं MBA स्टडी मटेरियल है, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा PG कोर्स स्ट्रक्चर, BLISC जो आपका लाइब्रेरी कोर्स है और जो आपका मास्टर लाइब्रेरी कोर्स, इनके भी यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन है MA और MCOM के और लाइब्रेरी कोर्स के 10 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और यहाँ पे जो MBA कोर्स है इसका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका दिसंबर के एंड वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तभी यहाँ पर आपका जो है अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 मंथ जो सितंबर आ चुका है और यहाँ पे आप सभी को अपना जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है ये अभी से करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए यहाँ पे आप सभी को जो अपना प्रोस्पेक्टस है, जैसे कि आप सभी को पता है आपका MA है, MCOM है, इसके अलावा पोल साइंस है, कुछ हिस्ट्री है, तो इन सभी में अगर आप PG कोर्स से जो कि SOL का PG कोर्स का प्रोस्पेक्टस है बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, इसे आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने कोर्स का सिलेबस, जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो भी देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कितने मार्क्स का है, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। और रही बात दोस्तों यहाँ पे MBA कोर्स का भी, और जो आपके कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जैसे यहाँ पे आपको MA पोल साइंस है, MA हिस्ट्री है, इनका भी यहाँ पे सिलेबस या स्टडी मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है जो कि आपका DU.AC.IN है, इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है PG कोर्स के रिगार्डिंग आपका स्टडी मटेरियल सिलेबस जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप अपना स्टडी मटेरियल जो है चेक कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में
बता दिया गया है और आप सभी का जो स्टडी मटेरियल इसके बारे में बता दिया गया, आईडी कार्ड और फिर इस के बारे में बता दिया गया है। एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, आप सभी के पीजी कोर्स में जो इंटरनल असेसमेंट हैं ये भी होते हैं, तो इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको एक अलग से पोर्टल दिया जाता है जहाँ पे आपका आई थिंक 45 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उनको यहाँ पे फिल करना होता है, उनके जो आंसर्स होते हैं वो सेलेक्ट करना होते हैं, तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट भी रहता है। इसके अलावा जो क्लासेस रहेंगी, आप सभी की क्लासेस जो हैं ये आपके सितंबर के एंड वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्लासेस के लिए आपको परेशान नहीं होना है कि आप सभी की क्लासेस कब से चलेंगी। और ऐसे जितने स्टूडेंट हैं जिनकी फी रिसिप्ट आ गई है या आईडी कार्ड नहीं आया है या आईडी कार्ड आ गया फी रिसिप्ट नहीं आई, तो आप वेट करिए, आप सभी का जो है चीज़ें सही कर दी जाएंगी। अभी यहाँ पे एडमिशन है तो काफ़ी लाखों स्टूडेंट होते हैं जो एसएल के पीजी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट रहता है अपने एडमिशन के रिगार्डिंग, जो कि मोस्टली इस वीडियो में कवर कर दिया गया है, कोई अलग से कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करके अपने जो पर्सनल डाउट्स हैं वो भी यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।